सर्वे के कारण बहुत सारे लोग अपने पुरानी जमीन जिसका दाखिल खारिज उन्होंने नहीं कराया था या परिवार में बंटवारा नहीं हुआ था वंशावली के आधार पे उसका दाखिल खारिज, इस तरह की चीज़ें दाखिल खारिज के आवेदन अभी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अच्छा, तो धन्यवाद, स्वागत किया जाए। माननीय मंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा है। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। फिर से नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं पटना। सीएससी का 15वां साल है और 15वां दिवस है सीएससी का। तो अभी हम लोग प्रोग्राम रखा गया है सीएससी की ओर से और पूरा बिहार से हर डिस्ट्रिक्ट से भेज के चुना गया, उसको बुलाया गया। उसमें से हम लोग कटिहार से हैं। तो हम लोग अभी आए हुए हैं पटना में और अभी फिलहाल कमरे पे हैं। अभी जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे सीएससी दिवस का कार्यक्रम रखा गया, प्रोग्राम रखा गया, मीटिंग रखा गया है। तो वहाँ पे अभी सब कुछ दिखाऊंगा और जितने भी सीएससी वैली हैं आप लोग भी देखिए और जानिए कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होता है और क्या क्या चीज़ होता है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बना रहिएगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कमरे पे, मेरा कमरा है वो कहाँ पे है और किस तरह का कमरा है, पूरा मैं दिखाता हूँ आपको। और मेरे साथ में कौन आए हुए हैं और किसके साथ हम जा रहे हैं, तो चलिए आपसे इससे भी मिलाऊंगा। साथ में फिलहाल अभी मैं कमरा दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा कमरा है और जाते हैं इंजीनियर होने के साथ देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं और हिमांशु सर बैठे हुए हैं और रूम भी बहुत शानदार है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट फाइट झूमर वगैरह सब लगा हुआ है। और हिमांशु सर ये कटिहार के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो चला रहे हैं और पंखा वगैरह इधर सब कुछ है। और देख सकते हैं रूम का डेकोरेशन कितना मस्त है, प्यारा है और बहुत शानदार है। तो हम लोग अभी निकलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। और जितना भी सीएससी का आज प्रोग्राम रखा गया हर चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे और हर एक चीज़ दिखाऊंगा। और जितने पूरे बिहार के जितने भी लिए हैं तो देखिएगा, पूरा समझिएगा क्योंकि हमारे सीएससी डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, क्या क्या मिलता है। क्योंकि आज हमारे सीएससी का 15 साल हो गया, 15वें साल जो है मनाने जा रहे हैं। बन रही और ये पटना है और हम लोग रेपिडो बुक करके जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम रखा गया है, सीएससी का 15वां साल है, 15वां दिवस है और मनाया जाता है। और वो खुशी की बात है कि सीएससी सक्सेस है और आज 15वां दिवस है और हम लोग बुलाया गया पे और हम लोग जा रहे हैं। और अभी फिलहाल हम लोग रेपिडो बुक जा रहे हैं पटना का वगैरह और नज़ारा। तेरा पटना का हवाई अड्डा ये है, हवाई अड्डा पटना का ये रास्ता है अंदर जाने का चलने का। और यहाँ पे देख सकते हैं नजारा पटना का, आपको दिखा रहे हैं पूरा पटना बिहार बस। गाइस फाइनली हम लोग सीएससी पहुंच गए और देखते हैं अभी सीएससी का 15वां साल है और ये रहा बोर्ड। और अब हम अंदर जा रहे हैं अभी और मिलते हैं अंदर जाके। देख सकते हैं ये सीएससी का प्रोग्राम होता है और यहाँ सजावट होगा और यहाँ एंट्री हो रहा है, सारे फेली का साइन होगा, सब कुछ किया जा रहा है। फिर एक दिन जब भी रेस्टोरेंट एंट्रेंस कर रहे हैं तब का साइन करेंगे, फिर अंदर जाएंगे आपको पूरा दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में पूरा शुरू से लेके अंत तक। तो एंट्री करके भी जा रहे हैं अंदर से दिखाएंगे ताकि देखते स्लिप नहीं होगा अंदर जाने के लिए। भी अंदर जाएंगे जो प्रोग्राम हो रहा है जब तक उसके पास ये स्लिप नहीं होगा उसको अंदर जाने का, यानी उसको एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं ऐसा एंट्री मिला नहीं है साइन करने के बाद। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे और अंडर हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ना सीएससी का प्रोग्राम चल रहा है और बेहतरीन से, और देख सकते पूरा बिहार का प्रोग्राम है। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज सीएससी का 15 साल पूरा हो चुका है, उस मौके पर प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे। और देख सकते पूरा बिहार का आया हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग, और हम लोग भी आए हुए हैं। बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और VLE जिसको भी चुना गया वो सब आए गए यहाँ पे, पहुँच गए लगभग और प्रोग्राम
चल रहा है और देखते हैं कब तक फोन चलता है और दिखाता हूँ पूरा। इसी की तरफ से यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम अपना फास्टिंग और देते हैं बिस्किट वगैरह सब कुछ हम लोग भी लेते हैं और खाते हैं और कॉफ़ी वगैरह भी है सारे डेली और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यहाँ पे सब आए हुए हैं लगभग और सब यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल है। और बहुत खुशी की बात है कि आज CSC के लगभग 15 साल पूरे हो चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरह से चला और बहुत सारा बहुत जोरदार शानदार सर्विस दे रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं CSC। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा CSC का सर्विस कैसा और कैसे होना चाहिए, अगर कमी तो आप बताइएगा किस चीज़ को देखा जाएगा और आगे सही किया जाएगा। आप लोग भी लेना है आप लोग भी दे सकते हैं एकदम है हमारे साथ हुए हैं हाउसिंग लोन और उसमें उस कार्ड के लिए हम लोग होली के पहले रिकॉर्ड तरीके से करीब करीब 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड CSC के माध्यम से हम लोगों ने बनाया। उसके बाद अभी जुलाई के महीने में एक स्पेशल ड्राइव रख करके बिहार सरकार के सहयोग से हम लोग 76 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने में सफल हुए हैं। इसकी प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने अब सभी वर्गों के 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी आयुष्मान कार्ड मुहैया कराना दिल्ली का हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ पे डॉक्टर बैंकिंग प्रतिनिधि इंश्योरेंस के प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत करते हैं और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है श्री संतोष तिवारी जी जो लोग उनकी टीम ने हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग आके वहाँ पे आपसे जो काम करता है और जिस तरीके से काम में आप लोग इंगेज हैं और जिस तरीके से आप रूरल एरिया और अंतिम पायदान तक लोगों तक अपनी बैंकिंग सर्विस या सरकार की जितने भी योजनाएँ आप उन तक पहुँचा रहे हैं उनके काबिल तारीफ है। और जिस CSC के हमारे मंगल पांडे सर मंत्री बिहार सरकार के सफल होने से स्वागत किया गया। माननीय मंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान कैसे कई कृतज्ञ का स्वागत है श्रीमान। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार सिंह सर, लैंड रेवेन्यू डायरेक्टर बामिकी श्री माथी सर, डिप्टी स्टेटर बिहार संतोष तिवारी सर, जनता श्रीफल दिया सजाए स्वागत को के नाम से भेंट विशाला जाए। आप सभी गणमान्य की उपस्थिति से हमारे यह श्रद्धावान सुसज्जित हो उठा है। अमजीत कुमार सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वह हमारे स्टेट हेड संतोष कुमार तिवारी सर का भी कॉल देके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, हमारे मुख्य अतिथि गण की उपस्थिति से हमारे यह कार्यक्रम सुशोभित हो गया है। यह प्रावधान दीप एक दीप को जलन हमारी परंपरा है। गौरी से Thank you.
श्रीमान ज्योति से हम पुनः कहेंगे कि हमारे तबाहा जिल हो गया है, जिल हुआ पंजाब ये है, जिल हुआ है मन, जिल ज्योति हो गया आए जो से मन। कार्यक्रम को जारी रखते हुए ये श्री दिवस के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि हम सबों के मार्गदर्शक द्वारक माननीय श्री मंगल पांडे सर, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री बिहार सरकार, वशिष्ठ कृषि श्री दीपक कुमार सर, उप आयुक्त सचिव, मुख्य आयुक्त सचिव एस सी एस लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बिहार सरकार, श्री शशांक शेखर सिन्हा सर, विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अखिलेश्वर पांडे सर, डायरेक्टर वाइडी बिहार श्री धनंजय त्रिपाठी सर, निदेशक वानिकी, हमारे एक्सिस बैंक से आए हुए प्रदीप कुमार सर, सचिव हेड बिहार लोन, श्री संदीप गोस्वामी जी एच डी एफ सी से आए हुए, विभिन्न डिपार्टमेंट की बात करूँ लगभग हम 1.5 करोड़ के आसपास हम लोग फाइनेंस में विकास सरकार को पढ़ा रहा था जो हमारे सामने उपस्थित हैं। इस प्रकार हम बात करेंगे अगर आयुष्मान भारत का, तो हम लोग लगभग 3 करोड़ 30 लाख श्रोता और आयुष्मान भारत बिहार में मना चुके हैं। माननीय मंत्री का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके नेतृत्व में हम लोग बिहार को ऐसे दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ से आयुष्मान भारत एक दिन में 10 लाख 15 लाख बनता है, इन्हीं से का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये प्रारंभ बात नहीं है। और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और ऐसा आगे बढ़ाएंगे कि लोग इसको ऐसा हम लोग टारगेट नहीं करना, कोई टारगेट है हम लोग ये देखना है कि हमारे पंचायत में, हमारे गाँव में, हमारे तबका में ऐसे लोग कौन है जिनको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है, मोदी जी को है, तो हम लोग इस संकल्प की भावना से हम लोगों को काम करना है और सारे लोगों का आयुष्मान भारत बनाना है ताकि उनको हम लोग लाभान्वित कर सकें। इसी प्रकार बिहार सरकार के और सारा योजना की हम बात करेंगे, जो सेंट्रल से भी यही श्रम कार्ड बनवाना हम बनाए हुए हैं, पीएम विश्वकर्मा के श्रम कार्ड में हम 2 करोड़ बनाए हुए हैं बिहार में, पीएम विश्वकर्मा का बात करें तो 15 लाख हो चुका है। इसके बाद हम लोग पीएम किसान में लगभग त्रिपाठी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, हम लोग 50 लाख पीएससी के माध्यम से ही केवाई से रजिस्ट्री किए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत ही बड़ा इनाम करें बिहार का एक और दर्जा हासिल किया उसने। माननीय पांडे सर का मैं धन्यवाद दूंगा, वाइस डायरेक्टर सर का, उनके नेतृत्व में आप बिहार में करीब 2100 आधार सेवा केंद्र चलते हैं, जो लाखों आधार कार्ड बनाए हैं, तो मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सब लोगों का, हम लोग आप लोग हमारे ऐसे सेना है डिजिटल सेना जी लोगों के बल पर इसलिए भी चलता है और सरकार की सारे सेवाएं हम लोग बांध करके चलाते हैं, तो आप लोगों से यही कहूँगा योजना में अपना हाथ का है और सारे योजना को संकल्पित भाव से करें। कहने की बहुत सारा सेवाएं हैं, मैं बताऊंगा भी मेरा समय लग जाएगा क्योंकि 500 सर्विसेज हैं सीएससी के पोर्टल पर, जिसको हमारे डीएलई बाउंस अपने ग्रामीण जनता को लाभान्वित करते हैं। अभी किसान टेंशन हम लोग बात करें तो लगभग हम लोग 40 लाख लोगों का किसान बिहार सरकार से किए थे। दीपक सर का मैं नहीं संवाद देना चाहूँगा, दीपक सर जब लेबर डिपार्टमेंट में थे तो सर के माध्यम से भी उस डब्ल्यू लेबरर्स का स्टार्ट किया गया था और लगभग आज हम लोग 6.5 लाख लेबरर्स का रजिस्ट्रेशन कर लिए, बहुत बड़ा ये चीज़ है। तो सर के माध्यम से हम लोग आप लोग रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को लाभान्वित भी कर रहे हैं। सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब लोग अपना ध्यान दृष्टि बनाए रखेंगे, हम लोग हर काम के लिए संकल्पित हैं करेंगे, जो भारत सरकार जिस परिस्थिति में डिजिटल इंडिया को बनाया है और जिस जो सिस्टम के मॉडल से लोगों को हेल्प करना चाहता है, उस मॉडल को सर हम लोग काफी ढंग से आगे बढ़ाते रहेंगे, कभी हम लोग ऐसा मौका नहीं देंगे जिससे ग्रामीण जनता को परेशानी हो और डिपार्टमेंट की परेशानी हो, हम लोग सर संकल्पित भाव से काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने नामी प्रोग्राम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के अवसर को उपस्थित हमारे विभाग के माननीय मंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य अतिथि मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं कृषि श्री दीपक सर, मुख्य अतिरिक्त मुख्य अतिथि राजस्व एवं भूमि सुधार श्री सुशांत शेखर जी, श्री विकास जी, श्री त्रिपाठी जी और संतोष गौरी सभी तुम्हारे लिए इस कार्यक्रम में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा और जोड़ना चाहता हूँ कि आधार की जो यहाँ रीढ़ है वो मिलता हुआ सीएसटी पर ही निर्भर है और 2000 से अधिक हमारे एक्टिव हैं और औसतन हर ब्लॉक में 4 डीएलई ऐसे हैं जिन्होंने आधार का काम किया हुआ है।
तो शायद इतने बड़े पैमाने पर यूआईडीआई अपने आप से नहीं कर सकती थी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा भी इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय से नहीं करवा सकती थी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप द्वारा यूआईडीआई के कार्य को करते हैं, और यहाँ तक कि हमने आपको इन्वॉल्वमेंट का अधिकार नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अपडेट का अधिकार दिया हुआ है, फिर भी जो पर किट अपडेट की संख्या है वो हमारे जितने अदर रजिस्ट्रार हैं या जितने और लोग हैं जो यूआईडीआई का काम करते हैं उनसे आपका परफॉर्मेंस मैं देखता हूँ कि रेगुलर अच्छा रहता है, और आगे भी मैं अच्छा रहता हूँ क्योंकि आप लोग विलेज लेवल जो विलेज का जो हिट है विलेज का जो आप ग्रामीण स्तर के विलेज लेवल आपका नाम ही है इंटरव्यू, तो आपने इंटरप्रेन्योरशिप दिल्ली के लिए रोक दिए दिखती भी है और आगे भी मुझे अपेक्षा है कि दिखती रहेगी और पर की जो परफॉर्मेंस है आपका आगे दिखती रहेगा। धन्यवाद। जीएसटी दिवस पर 15 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा कृषि श्री मंगल पांडे जी, अखिलेश पांडे जी यूआईडीआई के डायरेक्टर त्रिपाठी जी, बामती प्रशांत शेखर जी स्वास्थ्य विभाग के, संतोष तिवारी जी तथा यहाँ उपस्थित हमारे सभी जिलों से आए हुए जिला प्रबंधक एवं अन्य डीएवी। ज़्यादा समय नहीं देते हुए मैं केवल दो बातें कहना चाहूँगा। आप अवगत हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कई सेवाएं अभी टीएससी के माध्यम से दी जा रही हैं, उनका इंटीग्रेशन भी चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि शीघ्र इंटीग्रेशन भी पूरा कर लिया जाएगा। अभी के सर्वे को देखते हुए दो तरह की चीज़ें आप लोगों को पूरा जोर लगा के और अपनी तरफ से पूरी सावधानी से करना चाहिए। पहला ये कि सर्वे के कारण बहुत सारे लोग अपने पुरानी जमीन जिसका दाखिल खारिज उन्होंने नहीं कराया था या परिवार में बंटवारा नहीं हुआ था वंशावली के आधार से उसका दाखिल खारिज, इस तरह की चीज़ें दाखिल खारिज के आवेदन अभी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि दाखिल खारिज के लिए नया पोर्टल एक अपग्रेडेड पोर्टल एक चालू किया गया है जो उसका पहले का सॉफ्टवेयर था उसमें परिवर्तन किया गया है। दूसरा परिमार्जन का, यानी जिनकी जमाबंदी ऑनलाइन है उस जमाबंदी में किसी प्रकार के सुधार के लिए या जिनकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है परंतु ऑफलाइन जमाबंदी थी उनकी जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए परिमार्जन पोर्टल परिमार्जन प्लस की सुविधा प्रारंभ की गई है। ये दोनों में सबसे ज़्यादा आवेदन अभी आ रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इसके लिए जल्दी से जल्दी आवेदन करें। चूँकि पोर्टल दोनों में परिवर्तन किया गया था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बुला के आप लोगों को एक ट्रेनिंग दी है। हमारा ये अनुरोध होगा कि आप लोग जो जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग की थी वो शीघ्र अगर अभी तक नहीं किए हैं तो एक सप्ताह के अंदर अपने ज़िले में सभी पीएलडी को बुला के उनको इस पर ट्रेन कर दें। अगर उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग में कहीं पर भी कोई संशय हो तो जो हमारे अंचल में जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी भी सहायता ले सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो जब भी आप लोग कोई आवेदन करवाते हैं राजस्व संबंधी किसी भी सेवा के लिए तो उसमें आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो अवश्य डालें, क्योंकि कुछ अदरवाइज कई बार ये होता है कि हमारे यहाँ से जब किसी डिफेक्ट चेक के लिए रिटर्न होता है डिफेक्ट चेक के बाद तो आवेदक को उसकी सूचना नहीं मिल पाती है कि उसके आवेदन का क्या हुआ, इसलिए ये अनुरोध होगा कि आप आवेदक का मोबाइल नंबर उसमें अवश्य डालें ताकि जो भी सूचना अंचल कार्यालय से जाती है वो आवेदक को निश्चित रूप से मिल जाए। और तीसरा, सर्वे के क्रम में सर्वे के पोर्टल पे सभी लोगों को अपनी वंशावली और अपना स्व घोषणा उनकी ज़मीन के कागजात अपलोड करने हैं, उसके बारे में भी आपके पास बहुत ज़्यादा आते होंगे आपके रिक्वेस्ट। तो ये तीन सेवाएँ हैं, वैसे तो आप बहुत सारी सेवाएँ कर पे आपके सीएससी के माध्यम से दी जा रही है, लेकिन अभी सर्वे को देखते हुए ये तीन चीज़ है जिसमें आप लोगों का सहयोग वांछित है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपको जो ट्रेनिंग यहाँ दी गई है उसको आप, मैं संतोष जी से अनुरोध करूँगा कि एक टाइमलाइन बना देंगे ताकि उस टाइमलाइन के अनुसार आप लोग अपने अपने ज़िले में सभी डीएवी को ट्रेनिंग दे दें। पुनः एक बार आज सीएससी दिवस के लिए आप सभी को बधाई। इस तरह से आप लोग सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं,
इसको आगे और अच्छे ढंग से निभाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। आप अपने लेके खाते हैं घर में? हेलो गाइस, हम लोग का CSC का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका और हम लोग अभी निकल चुके हैं बाहर और फिर चलते हैं दूसरी जगह, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।